नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और बेहद ही खास मौका है, छठ करीब है, महापर्व, लोक आस्था का महापर्व, और ढेर सारी बातें हैं छठ को लेकर जो हमें आपसे करनी है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है सोनाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छठ महापर्व बेहद ही नजदीक है और आज मैं और राजेश सर बात करने जा रहे हैं छठ महापर्व के बारे में। नहीं सोनाली, बात दरअसल ये है कि दर्शक जो हैं हमारे, लाखों करोड़ों दर्शक हमें देखते हैं, उनके मन में कई तरह का सवाल होता है, और खासकर वो लोग जो बिहार के नहीं हैं, बिहार के बाहर के हैं, उनके मन में ये सवाल होता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है छठ में कि छठ को लोग इतना महत्व देते हैं, बाहर से खींचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, त्यौहार तो बाकी भी होते हैं लेकिन ऐसी छठ में कौन सी बात है। तो इन तमाम ऐसे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं जिसका हम जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि छठ में क्या है। देखिए, छठ जो है आपको आपके मूल से जोड़ता है, आपको अपने जड़ों से जोड़ता है। बिहार में खासकर ये बात है कि अगर पूरे परिवार की बात करें तो माता पिता हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा किसी पर्व में आओ या ना आओ, लेकिन छठ में जरूर आ जाना। बिल्कुल, तो क्यों आ जाना, इस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि आपने देखा होगा बचपन से, सोनाली हम भी छठ मनाते आए हैं, कि किस तरीके से बाहर से लोग आते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ, बिल्कुल बिना किसी मंत्र के, बिना किसी पुरोहित के, इसमें किसी की जरूरत नहीं होती, केवल आस्था की जरूरत होती है। भरपूर आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए, इसके बाद छठ का त्योहार होता है। अगर छठ का कोई गीत एक लाइन गुनगुना सके तो आप गुनगुना दीजिए। बचपन से जब मैं छोटी सी थी तभी से मैंने छठ के हर एक गाने को ऐसे एकदम रट लिया है। तो बिल्कुल उसमें से ही एक गाना है, पहले पहले हम कहनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, करिह क्षमा छठे मैया, भूल चुके गलती हमार। देखिए ये गाना सब बिहार के सभी लोगों के जहन में है, याद रहता है, और इस तरह के तमाम लोकगीत हैं। आप कह सकते हैं कि लोकगीतों का भी त्यौहार है, और तमाम तरह की बातें हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे जो लोग घर वापस लौटते हैं वहां से भक्ति भरे प्रसाद के साथ साथ श्रद्धा भी लेकर के वापस लौटते हैं, और इसके बाद आप यकीन मानिए कि जो छठ है वो चाहे सात समंदर पार हो, चाहे बिहार के किसी छोटे से गाँव में हो, चाहे दिल्ली जैसे महानगर में हो, उतनी ही श्रद्धा के साथ, उसी निष्ठा के साथ और उन्हीं नियमों के साथ, नियमों में कोई बदलाव नहीं होता है, उसी नियम के साथ यहाँ पर भी मनाया जाता है। मैं एक बात बता दूं कि छठ में हर एक छोटे छोटे चीजों का महत्व है, हर एक छोटे की पान के पत्ते का, ठेकुए का, खीर का, हर छोटे छोटे प्रसाद का महत्व है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रकृति का त्यौहार है, क्योंकि हम जब केले के पत्ते की बात करते हैं, नारियल की बात करते हैं, केला की बात करते हैं, लोकगीत बने हुए हैं। देखिए जो आप केलवा के पात पर, हाँ केलवा के पात पर, या मारबोर सुगवा, इस तरह के जो गाने जो तमाम बने हुए हैं, ये बताता है कि ये प्रकृति का त्यौहार है। परिवार के बाकी सदस्य, माँ छठ कर रही है, चाची छठ कर रही है, दीदी छठ कर रही है, तो और स्त्री प्रधान, और कह सकते हैं कि पूरे परिवार को जोड़कर चलने वाला भी ये त्योहार है हमारा। छठ पर्व जो है, या आम तौर पर जितने भी पर्व होते हैं वो महिलाएं करती हैं, खासकर मतलब महिलाएं घर में पूजा शुरू करती हैं, स्त्री प्रधान, है। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जो मेल जो है वो बिल्कुल करना चाहते हैं, और हमेशा दोनों लोग करते हैं। एक आखिरी गाने के साथ जो अगर सुनाना चाहें आप, इसके बाद हम इस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे और छठ को लेकर अभी बहुत सारी बातें होनी है आप लोगों के साथ। जरूर। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, एकरेलू छठ बरतिया से झाके झुके, एकरेलू छठ बरतिया से झाके झुके। तो आज के लिए बस इतना ही, छठ को लेकर अभी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, अभी आपसे लगातार करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बहुत नमस्कार। नमस्कार।